दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों शादी को लेकर हर किसी के अपने अपने कुछ सपने होते हैं जिन्हें हर कोई पूरे भी करना चाहता है, किंतु सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं होता। इसके अलावा कुछ लड़के लड़कियां आकर्षण, जुनून, लालच, स्वार्थ व दबाव में आकर बिना किसी सोच विचार के किसी लड़की या लड़के से शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी के बाद अपने भविष्य की चिंता भी उन्हें होने लगती है। और वैसे भी भविष्य के बारे में जानने की जिज्ञासा हर एक इंसान को होती है। चलो बताते हैं कि आखिर सितंबर महीने में शादी करने से भविष्य कैसा रहता है और उनका वैवाहिक जीवन कितना सफल रहता है। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जिन लोगों की शादी सितंबर महीने में होती है उन पर तुला राशि का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसके चलते ये दोनों ही अपने जीवन को हमेशा बैलेंस बनाकर चलते हैं, इसीलिए इन्हें परफेक्ट कपल भी कहा जाता है। इसके अलावा सितंबर महीने में शादी करने वाले जोड़ों के बीच में कभी भी आपसी लड़ाई झगड़े नहीं होते। यदि कभी कभार झगड़े होते भी हैं तो थोड़ी बहुत नोकझोंक और बहस होती है, किंतु ये आपसी सहमति से उन्हें भी सुलझा लेते हैं। इसके अलावा दोनों के बीच में तालमेल भी बहुत अच्छा रहता है और एक दूसरे की खुशी के लिए हर संभव प्रयास भी करते हैं, इसीलिए इनका वैवाहिक जीवन अक्सर खुशहाल ही रहता है। किंतु इन्हें एक हिदायत भी दी जाती है कि ये बहुत जल्दी हताश और निराश भी हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में इन्हें हार नहीं माननी चाहिए। इसके अलावा इन्हें अपने पार्टनर को थोड़ा न थोड़ा समय अवश्य हर रोज देना चाहिए। इसके साथ साथ एक दूसरे से प्यार मनोहार करते रहें, एक दूसरे को बाहों में भरना, सरप्राइजिंग किस करना, एक दूसरे के साथ प्यार भरी शरारतें करते रहना चाहिए। इससे इनके बीच का प्यार और भी ज़्यादा बढ़ता रहता है और कभी भी एक दूसरे को प्यार की कमी महसूस नहीं होती। यदि जीवन में कभी भी स्थितियां बिगड़ती हैं तो इसकी मुख्य वजह अपने पार्टनर के प्यार को अनदेखा करना या जितना प्यार इनके पार्टनर को चाहिए होता है उतना ना मिल पाना ही शामिल होता है।